फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द स्टूडियो। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन हेयर। सो द इम्पॉर्टेंट अपडेट वी हैव हेयर इज द गुड राइज इन द पेंशन। आफ्टर द पेंशन फंड्स राइज टू 3.8 लाख करोड़ प्लस वूपिंग। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो पेंशन के फंड्स हैं वो राइज हो चुके हैं, उसी के रिलेशन में ये पूरा अपडेट है, उसको देखेंगे फ्रेंड्स। सो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस इंपॉर्टेंट अपडेट एंड फ्रेंड्स चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग पेंशन एंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे क्या है पूरा सिनेरियो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैंक पेंशनर्स की डिमांड है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल हुआ है पब्लिश इन द हैंड्स इंडिया में। सो बैंक पेंशनर्स आर क्लियरली डिमांडिंग द हाइक, द वेरी गुड हाइक इन द पेंशन आफ्टर द पेंशन फंड हैज क्रॉस्ड अ हूपिंग 3.8 लाख करोड़ व्हिच इज़ मोर देन एडिक्वेट टू मीट द ऑनगोइंग डिमांड ऑफ बैंक पेंशनर्स इंक्लूडिंग SBI विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। सो फ्रॉम March 1, 2019 एज डन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो एसोसिएशन जर्नल्स अंडर बैंक एम्प्लॉयज प्रीमियम रेगुलेशंस एज पर 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइंड बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन। सो द रिटायर्ड ऑफिसर्स एक्यूज्ड देयर प्रॉब्लम ऑफ स्टेटेड that a national dharna would be staged in New Delhi soon, demanding the authorities concerned to address their problems. So CBIRWA means Central Bank of India officer wearers Mr. D.B. Krishna Rao also addressed and stated that a national level dharna would be staged in New Delhi soon. So friends यहाँ पे ये एक बहुत ही important message भी है, because जो यहाँ पे जो funds हैं pension के funds वो nearby 3.8 lakh crores sufficient होते हैं for the pension updation, and that also from the retrospective effect, that is 2019 से। सो लेट्स सी, वी हैव टू सी यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो एक्शन है धरना वो क्या होने वाला है। सो विद दिस दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। सो काइंडली शेयर द अपडेट एंड फ्रेंड्स चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर द लेटेस्ट बैंकिंग पेंशन एंड रिलेटेड अपकमिंग अपडेट्स।